हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है यार आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय करूँगा अपनी लाइफ को। तो वेलकम बैक हो गए जी आप सब हमारे डेली रूटीन के एक न्यू व्लॉग के अंदर। अभी जो है ना सुबह का टाइम है, हम लोग ना फार्म पे आ चुके हैं और यार आज जो है ना रात को बारिश हुई है तकरीबन घंटा डेढ़ के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि जो है ना ठंड हो जाए। लेकिन अभी तक हम इनको कवर कर रहे हैं तो अभी तक इनके लिए ना कोई मसला नहीं बना। बाकी अभी मैंने पिजन्स को निकाला था फीड वगैरह खा के, अब जो है ना वो तकरीबन अंदर जाने की तैयारी में। और ये जो ये सामने वाला वाइट के अलावा ये वाला जो पेयर बैठा है इसने ना अपना नेस्टिंग भी शुरू कर दिया। यहाँ से ये जो तिले वगैरह पड़े हैं ये उठाते हैं, अंदर लेके जाते हैं और अभी भी देखें वो तिले उठा रहा है। मेल है पता नहीं फीमेल है, ये मेल है सॉरी, मेल तिले उठा रहा है और अंदर लेके जाता है और जो है ना नेस्ट वगैरह इसने बनाना शुरू किए हैं। बाकी अभी मेरा इरादा नहीं था उनको खोलने का, लेकिन अब क्योंकि धूप निकल आई है तो हम ना इनक्यूबेटर से चिक्स को निकालते हैं और बाहर रखते हैं। और यार आज जो है ना और चिक्स के निकलने की भी डेट हो गई है, कल हो गई थी लेकिन कल मैंने ना देखा नहीं, मुझे मेरे जहन से निकल गया था। तो अभी देखते हैं कि कितने एक चिक्स निकल आए हैं, कितने एक निकल रहे हैं। बाकी यार अभी तक ना एक चूजा निकला है, बाकियों को मैंने बाहर रख दिया, इनका पानी भी चेंज कर दिया ताकि कोई मसला ना बने। और ये एक आज की बैड न्यूज़ कि एक और चिक जो है ना एक्सपायर हो गए। इसकी वजह जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है थोड़ी सी सर्दी। जो शाम का टाइम है ना उस टाइम इनके ऊपर से धूप चली जाती है और थोड़ी सी ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से ना इनको थोड़ी सी सर्दी लगती है और ये बीमार हो जाते हैं। तो अब मैंने अंकल के पीछे लगा तो हूँ कि इसका मुझे कहीं से ना सर्किट अरेंज कर दें, जैसे ही हो जाएगा उसके बाद ये सारा रोला ख़त्म हो जाएगा। 21 दिन हम चूज़ों को यहाँ रखेंगे, 21 दिन बाद बाहर शिफ्ट कर देंगे, 21 दिन के अंदर अंदर उनके ऊपर पर आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो स्टेबल हो जाएंगे कि वो माहौल के साथ और एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं है तब तक हमें ऐसे ही गुजारा करना है अंदर बाहर करके, क्योंकि अभी अंदर बाहर करने का एक और इशू ये है कि इस इनक्यूबेटर के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई है। ये देखें उनकी सारी जो है ना मीठे हैं बड़ी, जिसकी वजह से ना काफ़ी स्मेल हो गई है। तो इसका हमें लाजमी अरेंजमेंट करना है, लेकिन उनके पास अभी सर्किट नहीं है। जैसी सर्किट आएगा हम जो है ना फिर फौरन सबसे पहले यही काम करेंगे। तो यार अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया, हम लोग फार्म पे आ चुके हैं और मैंने भी अभी तक नहीं देखा है कितने चिक्स निकल आए हैं। वैसे तो ज़्यादा निकलने चाहिए और ये अभी तक निकले हैं चार। एक मिनट मैं टॉर्च ऑन करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो है ना अभी निकला, बल्कि तीन निकले हैं, चार भी नहीं निकले, बाकियों का कोई पता नहीं। पहले अभी हम पानी उठा के चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये जो है ना ज़रूरी है, वरना हैचिंग में मसला होगा। और बाकी भी देखते हैं कितने एक हैं जो और अभी जिनकी पिपिंग हो गई है और वो जो है ना वो हैच होने वाले हैं। जब मैं कैंडलिंग कर रहा था अंडों की तो मैंने देखा ये जो है ना एक चिक फंसा हुआ है, इसको निकालते हैं। ये दो जो है ना मैंने एग देखे हैं ये दो ख़राब हैं, एक दो तीन चार, ये चार ठीक हैं, बाकी आगे ये वाला भी मेरे ख्याल से ये देखिए ये भी फंसा हुआ है, इसको भी निकालना है। ये दिन दो को भी निकालते हैं फिर आगे हम कैंडलिंग को कंटिन्यू करते हैं। बाकी यार अभी ना मैंने दोनों चिक्स को निकाल दिए, ये वाला तो सही तरह निकला है लेकिन दूसरे में थोड़ा सा ब्लड था, वो अभी मैं दिखा नहीं सकता, तो वो जो है ना अभी कुछ टाइम तक नॉर्मल हो जाएगा। बाकी एक ये है जिसके जो है ना पिपिंग हो रही है, बाकी सारे जो है ना अभी किसी के भी पिपिंग नहीं हो रही। ये दो एग्स ख़राब हैं, इन दोनों को हम उठा के फेंक देते हैं और जो है ना उसके बाद बाहर मुर्गियां संभालते हैं। बाकी यार अभी ना मैं आया था इसको करने के लिए, पानी निकालने के लिए, फिर मैंने जो है ना एग देख लिया और माशाल्लाह से इसने हैच अपने कर लिए चिक्स, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कर लिए। वैसे तो इसकी डेट कल पूरी होनी थी लेकिन इसने आज अपने हैच, ओए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सिर्फ और सिर्फ एक रह गया है जो अभी तक हैच होना शुरू भी नहीं हुआ, बाकी माशाल्लाह। यार अभी ना वैसे इसको देर थी लेकिन इसने माशाल्लाह से जल्दी निकाल लिया, दो दिन एक दिन पहले, कल इसके निकलना शुरू होने चाहिए थे, आज इसको 20वां दिन है, आज इसने जो है ना माशाल्लाह से निकाल लिए। बाकी अभी हम ना आज इसके साथ चिक्स छोड़ देते हैं जो एडिशनल हमने छोड़ने हैं इनक्यूबेटर में से ना, तीन चार हम लोग यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने कल सुबह इस केज की भी सफाई करनी है ताकि ये जो है ना चिक्स साफ़ सुथरे केज के अंदर फिरें, तो इंशाल्लाह कल इसकी सफाई करेंगे। अभी हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते ज़्यादा और इसको जो है ना चिक्स के साथ टाइम देते हैं ताकि वो जो है ना चिक्स को ज़रा सही तरह से हीट वगैरह करती रहे, क्योंकि इनको सर्दी जल्दी लग जाती है और ये बीमार भी जल्दी हो जाते हैं।
कि यार अभी ना मैंने इन सारों को बंद कर दिया है, अभी यहाँ पर हम एंड करते हैं अपना ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको यह आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज आप तक की तरह पहुँचती रहें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।